ये मस्जिद हराम से जिस आरम से मुलाकात हुई ना, तो 10 साल से छुपा हुआ, और शिया लोगों ने उसके सर का इनाम कर दिया, इतना इनाम देंगे जो इसका सर काटे। अली शरफुद्दीन मूसी उनका नाम है, वो बेचारे हक कहते हैं मगरों के दुश्मन हो। उन्होंने यही कहा कि सहाबा किराम के जो जुर्म तुम बयान करते हो ना, उन्होंने हजरत फातिमा के साथ ये किया, दूसरे बहुत उम्दा बात है इलम कि पहले तो सनद सही से साबित करो, कोई सही रिवायत जिसके रावी पुख्ता हो उससे साबित करो कि ये जुर्म किया। दूसरा, अगर बिल फर्ज उसने कहा साबित भी हो तो उसका हुक्म शरी बयान करो कि वो जुर्म शरीयत में किस दर्जे का, काफिर हो गए या सिर्फ जालमी, अगर जालिम है तो गुनाहगार ही हैं, गुनाहगार पर लानत क्यों करते, उसके लिए माफ़ी की दुआ करो। ये दो नुकते बड़े कीमती हैं कि पहले ये जुर्म सही सनद से साबित करो, कोई सही सनद नहीं मिलेगी, खुद ही झूठे हैं, और अगर साबित भी हों तो गुनाह ही बनता, कुफर तो नहीं बनता, क्यों तुम तो उनको इतना बुरा भला कहते। ये मस्जिद हराम में मुलाकात हुई थी, अली ने मिलाया, बहुत नेक आदमी, मगर छुपा हुआ, ना उसकी किताबें छपने देते हैं। कराची में बेचारा एक मकान में छुपा हुआ, कत्ल कर 3 लाख इनाम कर रखे जो इसका सर काट कर लाया, क्या करें बेटा, हक नहीं को कहने दे, सब गुरुओं का यही हाल।